पे भी अच्छी लगेगी। लिपस्टिक। हाय। ओ प्लीज, शुगर की लिपस्टिक है। शुक्र है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ऐसे ही एक लड़की जिसने 1 करोड़ का जॉब छोड़ा, जो उस समय न्यूज हेडलाइन बन गई। लोगों ने कहा गलत किया, बिजनेस में फेल होने का रिस्क है, लेकिन उस लड़की का मानना था कि सक्सेस या फेलियर एक अलग बात है, लेकिन अपने सपनों के लिए कोशिश भी न करे यह सही नहीं है। आज उस लड़की ने 3,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करके अपनी हेडलाइन खुद बना डाली। उसका बचपन से एक ही सपना था, अपना खुद का बिजनेस करना, एंड उसको पूरा करने के लिए उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की। बॉयज से न डरना और अपने साथ हजारों महिलाओं को लेकर चलना, इस तरह वो यहाँ तक पहुँची। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिना डरे सब कुछ किया। ये कहानी है शुगर कॉस्मेटिक्स की, कैसे विनीता सिंह ने शुगर को हर औरत का फेवरेट कॉस्मेटिक ब्रांड बना दिया। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अगर बिजनेस की बात की जाती है तो सफल बिजनेसमैन के नाम सामने आते हैं, लेकिन देश में कई सारी बिजनेस वुमेन भी है जिन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। उनमें से एक नाम विनीता सिंह का है, जो शुगर कॉस्मेटिक्स के CEO और फाउंडर हैं। आपने इन्हें रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में प्रमुख इन्वेस्टर का रोल अदा करते देखा होगा। विनीता सिंह अभी तक कई स्टार्टअप में शार्क टैंक की मदद से पैसा लगा चुकी है। How did it start? बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए विनीता ने IIM अहमदाबाद में दाखिला लिया। इस तरह उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी जरूरी स्किल्स पर काम किया और कई बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप भी की। विनीता के मन में बचपन से ही बिजनेस करने का सपना था। यही कारण है कि MBA के बाद जब उन्हें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी से 1 करोड़ का ऑफर मिला तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 1 करोड़ का जॉब छोड़ा तो हेडलाइंस बन गई। लोगों ने कहा गलत है, बिजनेस में फेल होने का रिस्क है, सक्सेस या फेलियर अलग बात है। पर अपने सपनों के लिए कोशिश भी ना करें ये सही नहीं। शुगर कॉस्मेटिक्स शुरू करने से पहले विनीता कुछ और बिजनेस में भी अपना हाथ आजमा चुकी है। पहले उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लिंगरी का बिजनेस शुरू किया, लेकिन फंडिंग न मिलने के कारण उन्हें ये बिजनेस बंद करना पड़ा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड एक और बिजनेस शुरू किया, लेकिन फायदा न होने के कारण इसे भी बंद कर दिया। पहले 1 करोड़ सालाना की जॉब छोड़ना और फिर 2 बिजनेस में नुकसान होने के बाद भी विनीता ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से एक नया बिजनेस शुरू करने की ठान ली। इसके बाद विनीता ने 2015 में अपने दोस्त कौशिक मुखर्जी के साथ शुगर कॉस्मेटिक की शुरुआत की। सिर्फ 4 लिपस्टिक सेट के साथ शुरू हुई ये कंपनी आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में एक अलग मुकाम रखती है। आज इस कंपनी के 550 शहरों में 40,000 से ज्यादा का रिटेल नेटवर्क है और कंपनी के काफी सारे खुद के स्टोर्स भी हैं। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली विनीता सिंह का नाम मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। ऑपरेशंस फेलियर्स एंड चैलेंजेस। विनीता सिंह ने अपने पहले 2 बिजनेस के फेल होने पर बहुत ज्यादा मार्केट देख ली थी एंड काफी इम्पोर्टेंट बिजनेस लेसन्स भी सीख लिए थे। जब आपका कोई स्टार्टअप फेल होता है तो उसकी जर्नी और लर्निंग कभी खाली नहीं जाती। अगर आप उसे सही जगह यूटिलाइज करें तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। जो विनीता सिंह ने इन 5 सालों में सीखा कि भारत का जो ब्यूटी मार्केट है उसमें अब महिलाएं कैसे पैसे खर्च करना चाहती है। लेकिन उस समय भारत में लिमिटेड ब्रांड्स थे जो कि वुमेन कॉस्मेटिक्स पर काम कर रहे थे, उन्हीं की मार्केट में मोनोपोली थी। 2012 में ही विनीता सिंह ने फैब बैक और फाल्गुनी नायर ने नायका की शुरुआत की, यानी 2 बड़े स्टार्टअप इसी साल ग्रो होने की कोशिश कर रहे थे। फैब बैग का पूरा बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, मतलब फीमेल पूरे महीने के 599 रुपए विनीता सिंह को दिया करती थी, जिसमें वो पूरे महीने की ब्यूटी किट बनाकर महिलाओं को भेजती थी। इससे विनीता सिंह को बहुत प्रॉफिट तो नहीं था, लेकिन वो मार्केट का रिसर्च कर रही थी। ये सारे प्रोडक्ट्स विनीता सिंह ग्लोबली परचेज कर रही थी। वो पहले इन प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर अप्लाई करती, फिर वो महिलाओं को रिकमेंड करती थी, उनसे फीडबैक लेती थी कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है कौन सा नहीं। इस सबसे विनीता सिंह मार्केट को समझ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा और कौन सा नहीं, साथ ही ब्यूटी मार्केट में लड़कियों की क्या डिमांड है। साल 2015 तक विनीता सिंह के साथ करीब 15,000 वुमेन
इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल से जुड़ चुकी थी। इन सब के बेस पर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया और फिर उन्होंने पाया कि भारत की मार्केट में लोकल और ग्लोबल दोनों प्लेयर हैं, लेकिन कोई भी इंडिया के स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। हर ब्रांड ग्लोबली फेस के स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन इंडियंस की स्किन अलग तरह की होती है। यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए जो भी ब्रांड प्रोडक्ट बना रहे थे वो ग्लॉसी फिनिश वाले प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन विनीता सिंह को रियलाइज हुआ कि भारत में मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट बनने चाहिए। यहाँ तक कि जो लिपस्टिक भी है वो भी मैट फिनिश वाली होनी चाहिए, ताकि कोई भी फीमेल अगर सुबह से शाम तक बाहर है तो वो लिपस्टिक उनके फेस पर पूरे दिन चल सके, क्योंकि अगर ग्लॉसी फिनिश होता है तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। लेकिन इंडियन फीमेल की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग थी। दूसरा, विनीता ने रियलाइज किया कि भारत में कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जिनमें दो तरह की प्राइस रेंज है, जिनमें नीचे वाली रेंज में मेबेलिन व लैक्मी जैसे ब्रांड्स हैं, वहीं ऊपर की रेंज में इस्टी लॉडर व मैक जैसे ब्रांड्स हैं। बीच का स्पेस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस रेंज को अफोर्ड करने वाली फीमेल्स बहुत हैं, लेकिन इस रेंज में कोई बड़ा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को रियलाइज करने के बाद विनीता सिंह ने 2015 में अपना सुगर कॉस्मेटिक नाम का ब्रांड लॉन्च किया। विनीता सिंह ने 2012 से 2015 तक जो मार्केट रिसर्च की थी, ये उसका रिजल्ट था। सभी डेटा और लर्निंग को देखने के बाद उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था। एंड बहुत जल्दी विनीता सिंह को मार्केट से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। एंड आज की डेट में वो किस मुकाम पर है इसको बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय विनीता। नंबर वन, उन्होंने अपना प्रोडक्ट किसी सेलिब्रिटी के बेस पर नहीं, बल्कि एक सिंपल फीमेल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया था, ताकि वो नॉर्मल फीमेल की जरूरतों को पूरा कर सके। नंबर टू, सबसे पहले इन्होंने काजल और आईलाइनर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। उस समय तक भारत में ग्लॉसी फिनिश प्रोडक्ट ही अवेलेबल थे। इन्होंने मैट फिनिश प्रोडक्ट लॉन्च किए, ताकि जब कोई फीमेल इन प्रोडक्ट्स को यूज करे तो वो काफी देर तक चल सके। नंबर थ्री, विनीता के ये प्रोडक्ट भारत की बजाय यूएस मार्केट में तहलका मचाने लगे, क्योंकि उस समय यूएस मार्केट में लोग ई कॉमर्स से बहुत ज्यादा खरीदारी करना शुरू कर चुके थे। नंबर फोर, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जर्मनी से बनवाए थे, जिसके कारण मार्केट में ट्रस्ट बनाने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा जो फैब बैग के सब्सक्राइबर थे वो भी उनका प्रोडक्ट ले रहे थे। नंबर फाइव, विनीता सिंह ने इसके बाद पैकेजिंग पर स्पेशल अटेंशन दिया, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि ऐसी पैकेजिंग की जाए जो अब तक कोई नहीं कर रहा है, जिसमें इन्होंने ग्राफिक इलस्ट्रेशन का यूज किया। मार्केट में अलग दिखने के लिए इन्होंने पैकेजिंग पर बहुत पैसे खर्च किए। नंबर सिक्स, विनीता सिंह ने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए फीमेल्स को एजुकेट करना शुरू किया, जिसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इन्होंने इन्फ्लुएंसर से भी मदद ली। नंबर सेवन, इन सब के अलावा इनका एक एड मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गया, जिसमें एक एसिड अटैक सर्वाइवर को अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया। उन्होंने प्रोडक्ट को अप्लाई किया, उसके बाद ये एड बहुत वायरल हो गया। नंबर एट, इन्होंने सुगर कॉस्मेटिक को नायका में भी लॉन्च किया। नायका में इनकी सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगी। नायका में लिस्टिंग के बाद इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केट में ज्यादा बनाने की कोशिश की। जितने भी तरीके ऑनलाइन के हो सकते थे, उन सभी से अपने कस्टमर को टच करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ कस्टमर जाता था, वहाँ वहाँ सुगर कॉस्मेटिक अपने आप को प्रेजेंट कर लेता, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो। नंबर नाइन, इसके साथ ही इन्होंने मार्केट में अपना ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें 1.5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, जिसमें इनका रिव्यू 4.5 से ज्यादा है, यानी कि सुगर कॉस्मेटिक को एक अच्छा ब्रांड माना जाता है। नंबर 10, विनीता सिंह ने फरवरी 2019 को कोलकाता में पहला ऑफलाइन स्टोर लॉन्च किया। आज इनके काफी सारी सिटीज में खुद के आउटलेट्स हैं, और आज विनीता किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।